हेलो गाइस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूँ प्रोफेसर विनय मोरे, आप सबका स्वागत करता हूँ। नाउ डेज वी आर लर्निंग आईसी इंजन कोर्स, और आई होप आपने इसके पहले के जो वीडियोस, जो सीरीज जो थी, मैंने आपको फॉरवर्ड की थी, वो आपने उसको देखा भी होगा, एंजॉय भी किया होगा। ये पकड़ के चलाओ कि आपका मॉड्यूल नंबर 1 एक अच्छे से बेटर तरीके से हो चुका है। वहाँ पे आई होप ज़्यादा डाउट्स नहीं होंगे। बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड मॉड्यूल, दैट इज साइकिल एनालिसिस, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, फॉर्मूला से आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल्स काफी आसान होते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट साइकिल एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन्स मॉड्यूल नंबर 2। सबसे पहले है एफिशिएंसी। सो आई होप आपको पता होगा एफिशिएंसी मीन्स होता क्या है। एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट टू द इनपुट, या तो फिर एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल। बस एफिशिएंसी के ये दो जनरल फॉर्मूलाज है, आउटपुट टू द इनपुट या तो फिर एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल। सो यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, एयर स्टैंडर्ड साइकिल मीन्स व्हाट, जहाँ पे हम कंसिडर करके चलते एयर इज ओनली वर्किंग मीडियम। हम फ्यूल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एयर को ही एज अ वर्किंग मीडियम कंसिडर कर रहे हैं। जहाँ पे एयर बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस, इट ऑबेज ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस लॉज, मतलब सबसे अच्छा बच्चा है, सारे लॉ को फॉलो करता है वो। ओके, इसलिए वो आइडियल है। और जिसके पैरामीटर्स है, सीपी, सीवी है, गैमा है, ओके, वो टेम्परेचर वेरिएशन किया तो भी वो वैल्यू चेंज नहीं होता। इट मीन्स देर विल बी वैल्यूज, ओके, सीपी सीवी विल बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, दे विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टेम्परेचर्स एक्सेट्रा। सो वो साइकिल के अजम्पशंस है, वो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि वो भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है आउटपुट टू द इनपुट। आउटपुट क्या होता है, अभी इंजन की बात करें तो आउटपुट होता है वर्क डन या तो फिर पावर डिवाइड बाय हीट सप्लाई। सो पावर कहाँ से मिलेगा मुझे, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, इसका जो बैलेंस होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा, वो क्या होगा, पावर डिवाइड बाय हीट सप्लाई। नेक्स्ट है एक्चुअल वाला साइकिल, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी। ओके, सो वहां पे क्या मिलेगा, आउटपुट क्या, एक्चुअल वर्क डन टू द हीट सप्लाई। ओके, सो गाइस, इन दोनों के बीच को, इन दोनों को जोड़ने वाला, जैसे घर की मम्मी होती है, मदर होती है, जो पूरी फैमिली को ज्वाइन करके रखती है, वैसे यहाँ पे जो उन दोनों एफिशिएंसी को अटैच करके रखने वाला एक एफिशिएंसी होता है, वो होता है रिलेटिव एफिशिएंसी। नाम में ही रिलेटिव है, वो दोनों का रिलेटिव है। सो यहाँ पे होता क्या है, एफिशिएंसी का एक जनरल फॉर्मूला क्या था, जैसे हमने देखा आउटपुट टू द इनपुट, वैसे एक होता है एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल। तो यहाँ पे एक्चुअल एफिशिएंसी कौन सा है, थर्मल एफिशिएंसी, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एफिशिएंसी कौन सा है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अगर इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअल वर्क डन टू द थ्योरेटिकल वर्क डन। गॉट इट? सो ये तीनों एफिशिएंसी को याद रखना। नेक्स्ट है वर्क रेशियो। ओके, वर्क रेशियो जो है वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, कभी कभार हो सकते हैं 2 मार्क्स के लिए अगर मन हुआ तो उनका डेफिनेशन पूछेंगे, अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। वर्क रेशियो मीन्स नेट वर्क ट्रांसफर टू द पॉजिटिव वर्क ट्रांसफर। अगर आपको याद होगा तो पॉजिटिव वर्क मीन्स जहाँ पे वर्क डन प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव वर्क मीन्स जहाँ पे वर्क डन सप्लाई करना पड़ता है। सो नेट वर्क ट्रांसफर टू द पॉजिटिव वर्क ट्रांसफर। नेक्स्ट मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसको हम शॉर्टकट में MEP भी बोलते हैं। MEP मीन्स व्हाट, इट इज अ रेशियो ऑफ वर्क डन टू द स्ट्रोक वॉल्यूम, वर्क डन टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। सो वर्क डन कहाँ से मिलेगा, पावर से मिलेगा। पावर कहाँ से मिलेगा, QS माइनस QR करता हो मिलेगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स आपको पता ही होगा, सो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, दैट इज V1 माइनस V2, सो वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी MEP का यूनिट क्या रहेगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर है, सो इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखना इसको। ओके, नेक्स्ट कंप्रेशन रेशियो।
सो कॉम्प्रेशन रेशो, अब मैं आपको रेशो के एक अंदर का एक उसका सीक्रेट बताता हूँ। रेशो अगर लेना है आपको, कॉम्प्रेशन रेशो हो, एक्सपांशन रेशो हो, एक्सप्लोजन रेशो हो, कोई भी रेशो हो, तो एक काम करना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय मिनिमम वैल्यू। अभी बात हो रही है कॉम्प्रेशन की, सो आप मुझे बताओ कि कॉम्प्रेशन के पहले वॉल्यूम ज्यादा रहेगा कि कॉम्प्रेशन के बाद वॉल्यूम ज्यादा रहेगा? ऑफकोर्स कॉम्प्रेशन के पहले, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कॉम्प्रेशन, सॉरी वॉल्यूम बिफोर कॉम्प्रेशन, मिनिमम वैल्यू कब आएगी? वॉल्यूम आफ्टर कॉम्प्रेशन। सो ऐसे ट्रिक के साथ इसको याद रखना तो बेटर होगा, अदरवाइज सब रट्टा माने जाओगे तो डिफिकल्ट है। सो आपको डायग्राम के साथ मैं समझाता हूँ, ये खुल जा सिम सिम। लेट्स सी गाइस, दिस इज ऑटो साइकिल जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कॉम्प्रेशन कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन वन एंड टू। ओके, सो वॉल्यूम आफ्टर कॉम्प्रेशन, सॉरी वॉल्यूम बिफोर कॉम्प्रेशन टू दी वॉल्यूम आफ्टर कॉम्प्रेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, वी वन डिवाइड बाई वी टू, तो वो होगा आपका कॉम्प्रेशन रेशो। गॉट इट? नेक्स्ट है एक्सपांशन रेशो। अभी एक्सपांशन कहाँ पे होता है? बिटवीन थ्री टू फोर। अब मुझे बताओ वॉल्यूम मैक्सिमम कहाँ पे होगा? वी फोर पे होगा। मिनिमम कब होगा? वी थ्री पे होगा। सो वी फोर बाई वी थ्री, ऑफकोर्स वो वही सेम आएगा क्योंकि फोर है, वन का वॉल्यूम सेम है, थ्री एंड टू का वॉल्यूम सेम है, सो वी वन बाई वी टू ही होगा। सो एक्सपांशन रेशियो एंड कॉम्प्रेशन रेशियो बोथ आर द सेम, बट याद रखना वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांशन, वॉल्यूम बिफोर एक्सपांशन। नेक्स्ट कट ऑफ रेशियो। अभी कट ऑफ रेशियो कहाँ पे होता है? अगर आपको पता होगा एस आई ओ सी ए का मेन डिफरेंस, तो एस आई मीन्स पेट्रोल इंजन में, ऑटो साइकिल में होता क्या है कि वहां पे हम मिक्सर को सप्लाई करते हैं, फिर दोनों मिक्सर का जैसे एयर प्लस फ्यूल का कंप्रेशन होता है, फिर वहां पे कंबशन होता है और बाकी सब ब्ला 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 सब कुछ होता है। बट व्हाट अबाउट डीजल साइकिल सी इंजन, वहां पे सिर्फ एयर का सक्शन होता है, एयर को कंप्रेस किया जाता है, फिर वहां पे फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, फिर वहां पे कंबशन होता है, बाकी सब सेम। सो गाइज यहाँ पे कट ऑफ, सो वहाँ पे फ्यूल सप्लाई कब कट ऑफ करना है वो सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्म किया हुआ है। सो कट ऑफ रेशियो को मुझे बताओ, तो यहाँ पे फ्यूल सप्लाई करते वहाँ पे क्या होगा? कंबशन होगा। सो मुझे बताओ वॉल्यूम कब ज्यादा होगा? आफ्टर कंबशन ऑफकोर्स, और मिनिमम कब होगा? बिफोर कंबशन। सो वॉल्यूम आफ्टर कंबशन टू दी वॉल्यूम बिफोर कंबशन, बट रिमेंबर ये किसके लिए इम्प्लीमेंट होगा? डीजल साइकिल के लिए। सो डीजल साइकिल का एक डायग्राम शो करता हूँ। गाइस पहले सबसे पहले ऑटो साइकिल का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 1 टू 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 3 टू 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट होगा, इसको याद रखना। आई होप ये डिफरेंस सबको पता ही होगा। और डीजल साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे हीट एडिशन कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है। सो कट ऑफ कहाँ पे होगा? बिटवीन 2 टू 3, क्योंकि हीट एडिशन हो रहा है। गॉट इट? सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, वॉल्यूम आफ्टर कंबशन टू दी वॉल्यूम बिफोर कंबशन, तो आफ्टर कंबशन कितना होगा? V3, और बिफोर कंबशन कितना होगा? P2। सो यहाँ पे कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो को रो से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, अभी स्टेप वाइज फॉर्मूलाज यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। सो गाइज जब भी प्रोसेस हम बात करते हैं कंप्रेशन की एक्सपांशन की, तो ये दो फॉर्मूलेज वहां पे यूज होते हैं। सो मैं इसको स्टार करता हूँ। ओके, सो जब आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, पीवी रेस्टो गामा। सो P1 V1 रेस्टो गामा, P2 V2 रेस्टो गामा। सो जब भी आपको प्रेशर या तो फिर वॉल्यूम निकालना है तो आपको ये रिलेशन यूज करना है, और जब आपको टेम्परेचर निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सो T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 रेस्टो गामा माइनस 1। और उसके अलावा कांस्टेंट वॉल्यूम की जब बात होती है, जैसे ऑटो साइकिल में होता क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट होता है। तो ऐसे केस में बेसिकली तीन पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। बट ऑटो साइकिल में क्या कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम होता है जहाँ पे हीट ऐड होता है,
सो मैं इसको वी ओ सी कॉन्स्टेंट बोलता हूँ, सॉरी वॉल्यूम इज ए कॉन्स्टेंट. सो बचा क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है. सो वहाँ पे आप लिख सकते हो पी टू बाय पी थ्री इज इक्वल टू टी टू बाय टी थ्री. ओके, अगर बात करते हैं डीजल की, तो डीजल में हीट एडिशन कहाँ पे होता है, हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे. सो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो बचा क्या, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. सो वहां पे V2 बाय V3, V2, ओके, सो V2 बाय V3 इज इक्वल टू T2 बाय T3. सो ऐसे रिलेशन आपको बनाने पड़ेंगे, याद रख के सीक्वेंस वाइज. ओके नेक्स्ट, यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है एयर स्टैंडर्ड का. पूछते हैं अगर ऑटो साइकिल होगा तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन आर एस टू गैमा माइनस वन. आर क्या है, कंप्रेशन रेशियो, दैट इज वी वन अपॉन वी टू. गैमा का वैल्यू 1.4 आइडियली होता है. नेक्स्ट एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल. सो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखना पड़ेगा. यहाँ पे अलग क्या है, देखो ये पार्ट तो कॉमन है, अलग सिर्फ इतना पार्ट है, रो रिस्टू गैमा माइनस वन अपॉन गैमा इंटू रो माइनस वन. सो गाइस इसका प्रैक्टिस, इसका और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका प्रैक्टिस करके रखो फॉर्मूले के. रो मीन्स कट ऑफ रेशो, गैमा दैट इज 1.4. फिर यहाँ पे ड्यूअल साइकिल में अल्फा का टर्म भी ऐड हो गया. अल्फा क्या होता है, एक्सप्लोजन रेशो. ओके सो एक्सप्लोजन रेशो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, तो एक्सप्लोजन रेशो या तो फिर प्रेशर रेशो. सो यहाँ पे मैं आपको ऐड करके देता हूँ, जस्ट वेट. सो ये फॉर्मूलाज आपको ऐड करने पड़ेगा. एक्सप्लोजन रेशो उसको हम इंडिकेट करते हैं अल्फा से. ओके, एक्सप्लोजन के बाद या एक्सप्लोजन रेशो में क्या यूज होता है, प्रेशर यूज होता है. तो मुझे बताओ प्रेशर कब ज्यादा रहेगा, आफ्टर एक्सपांशन, सॉरी आफ्टर एक्सप्लोजन. सो प्रेशर आफ्टर एक्सप्लोजन, मिनिमम वैल्यू कब रहेगी, प्रेशर बिफोर एक्सप्लोजन. सो ओके, सो ये छोटे मोटे बातें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी और ये आखिर तक यूज हो गया. नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन गाइज इसका यूज कहाँ पे होता है, जब आपको प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पता है तो मास फाइंड आउट करने के लिए, या तो फिर अगर मास, अगर कोई भी सपोज प्रेशर वॉल्यूम गिवन नहीं था, सपोज प्रेशर पता है वॉल्यूम पता है बट टेम्परेचर दिया नहीं है, तो जब आपको तीन में से दो ही कंपोनेंट पता है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको फिर मास को 1 kg/s ही लेना पड़ेगा. सो गाइस इसका यूज होता ही है, आइदर मास फाइंड आउट करने के लिए, आइदर वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए. सो ये इक्वेशन काफी यूजफुल है. बट रिमेंबर, प्रेशर आपको हमेशा कैसे पुट करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. बार में पुट करोगे गलती हो गई, फिर गया, फिर जीरो मार्क्स. वॉल्यूम आपको पुट करना है मीटर क्यूब में, मास आपको पुट करना है केजी में, आर जूल पर केजी में, और टेम्परेचर केल्विन में. तो सीपी का वैल्यू अगर गिवन नहीं होगा तो ये वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड वैल्यू से बाहर करके रखना है. 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, सीवी क्या है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, आर का वैल्यू 0.287 और गामा का वैल्यू 1.4. सो ये स्टैंडर्ड वैल्यू से बाहर करके रखना है अगर गिवन डेटा में नहीं होगा तो. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे आज तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एक ऑटो साइकिल पे, दूसरा डीजल, तीसरा ड्यूल पे. सो सबसे पहले क्या बोला है, पेट्रोल इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल. ओके, ऑटो साइकिल का क्लियरेंस वॉल्यूम इज 10% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम. क्लियरेंस वॉल्यूम इज हम उसको बोलते हैं वीसी, इट इज 10% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक मीन्स वी एस. द इनिशियल प्रेशर, इनिशियल बोला है मीन्स पी वन 0.95 bar, और टेम्परेचर 30°C means T1. The pressure at the end of adiabatic compression was 27.27 bar. ये भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे जल्दी कि क्या दिया एग्जैक्टली. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऑटो साइकिल ड्रॉ करके लेते हैं.
ओके, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, V1, V2, V3, V4, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, और VC अगर आपको याद होगा तो 2 के पहले का वॉल्यूम क्या रहेगा, क्लियरेंस वॉल्यूम, और VS क्या रहेगा, V1 माइनस V2 रहेगा. गॉट इट? सो उन्होंने दिया था डेटा, VC क्या बोला था, 10% ऑफ VS, सो 0.1 VS लिख दिया. P1 दिया था, T1 दिया था, केल्विन में कन्वर्ट करके लिया. फिर बोला है क्या गिवन डेटा था, द प्रेशर एट द एंड ऑफ एडियाबेटिक कंप्रेशन, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन मींस P2 दिया है 27.27 bar. फाइंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल का एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आपको निकालना है. इफ द रिलेटिव एफिशिएंसी इज 50%, वेरी गुड. एफिशिएंसी आर भी दिया है, एटा आर दिया है. कैलकुलेट द फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन निकालना है मतलब मास फ्लो रेट निकालना है, मींस m.f. बट किसके लिए, पर किलोवाट आर. अभी किलोवाट आर इंडिकेट करता है पावर, जनरली पावर का यूनिट होता है वैट, वैट मींस जूल पर सेकेंड. बट मुझे पर सेकेंड निकालना है क्या, नहीं, कंटिन्यूस 1 आवर के लिए, इसलिए वहां पे लिखा है किलोवाट आवर. सो आपको 1 किलोवाट 1 आवर के लिए प्रोड्यूस करना है तो कितना फ्यूल लगेगा वो पूछा हुआ है. नेक्स्ट सीपी दिया हुआ है, सीवी दिया हुआ है, सॉरी सीवी दिस इज अ डिफरेंट टर्म, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सॉरी स्पेसिफिक हीट एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नहीं है, ये कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल का. इसका यूनिट देखो किलो जूल पर केजी, और गामा दिया हुआ है. ओके, तो सारा गिवन डेटा फटाफट लिख के लो. वीसी दिया है, P1 दिया है, T1 केल्विन में कन्वर्ट करके लिया, P2 मिला, एटा आर 50%, सीपी दिया है, गामा दिया हुआ है, सीवी ऑफ फ्यूल दिया हुआ है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालना है, m.f फॉर पावर 1 किलोवाट आवर. तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए मेरा साइकिल कौन सा है, ऑटो का. ऑटो साइकिल का फॉर्मूला क्या था, ईटा 1 - 1/RC/γ-1. सो आपका 1/RC/γ-1. क्या मेरे पास सफिशिएंट डेटा है, क्या मेरे पास आरसी है? आरसी क्या होता है, V1/V2. बट V1 मींस व्हाट, अभी यहाँ पे देखो V1 मींस व्हाट, मुझे क्या करना पड़ेगा, VC प्लस VS करना पड़ेगा. V2 मींस VC क्लियरेंस वॉल्यूम. सो मैंने डायग्राम पे देख के पहले लिख दिया V1 मींस टोटल वॉल्यूम, VS प्लस VC, और V2 मींस VC. अभी काम करते हैं, यहाँ का जो रिलेशन दिया था वो यूज करता हूँ, 0.1 VS. सो VS प्लस 0.1 VS कितना होगा, 1.1 और डिवाइड बाय 0.1. VS कॉमन निकालो, कैंसिल होगा, बचेगा 11. सो आपको RC मिल जाएगा. गामा का वैल्यू कितना है, 1.4, पुट कर दो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, आपको मिल जाएगा. गॉट इट? नेक्स्ट पूछा है मास फ्लो रेट. अब मुझे बताओ मास फ्लो रेट के, अभी थोड़ा सा उल्टा सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते हैं. मुझे मास फ्लो रेट कहाँ पे यूज होता है, मेरे पास डेटा क्या क्या दिया है, उन्होंने एक्स्ट्रा डेटा दिया था थर्मल एफिशिएंसी का. ओके, और मुझे मास फ्लो रेट निकालना है. तो गाइज याद रखना कि मास फ्लो रेट कहाँ पे यूज होता है, m.fcv. m.fcv किसका फॉर्मूला है, हीट सप्लाई का. ओके, और उन्होंने पावर दिया था 1 किलोवाट आवर. सो यहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरे लिए हिंट है, मुझे कौन सा यूज करना है फॉर्मूला, थर्मल एफिशिएंसी का. ओके, थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, आउटपुट टू द इनपुट, पावर अपॉन हीट सप्लाई. सो पावर, तो मुझे किलोवाट, पावर का यूनिट में चेंज नहीं कर सकता, किलोवाट आर नहीं कर सकता, बट किलोवाट. नेक्स्ट हीट सप्लाई, m.f into cv, और बाद में मुझे उसका कन्वर्जन करना है 1 आवर में. सो मैं इसको क्या करूंगा, 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो मुझे पावर तो दिया हुआ है किलोवाट आर, मतलब 1 आए. m.f निकालना है, cv का वैल्यू 42,000 दिया था, 1 आवर के लिए कन्वर्जन करने से 3600 से मल्टीप्लाई किया. बट क्या मुझे थर्मल एफिशिएंसी पता है क्या, नहीं. तो मेरे पास एक्स्ट्रा डेटा उन्होंने दिया था, एटा आर मींस रिलेटिव एफिशिएंसी मुझे दिया था 0.5. सो मैं अभी उसको यूज करता हूँ, एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एक्चुअल एफिशिएंसी टू द थियोरेटिकल एफिशिएंसी. सो एक्चुअल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एफिशिएंसी
तो मुझे निकालना है जिसको हम क्या बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 0.6168 और 0.5 दिया था, सो यू विल गेट एक्चुअल एफिशिएंसी। वो एक्चुअल एफिशिएंसी यहाँ पे पुट करो और एम डॉट एफ निकालो और इंटू 3600 करो तो आपको क्या मिलेगा मास फ्लो रेट केजी पर किलोवाट आवर। ओके, सो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से न्यूमेरिकल को सिक्वेंस वाइज रिवर्स में सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, फॉर्मूला लिस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, हो जाएगा सर, डोंट वरी, प्रैक्टिस से हो जाएगा। नेक्स्ट, एन इंजिन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। ओके, यहाँ पे कुछ अलग है इसलिए मैं न्यूमेरिकल को ले रहा हूँ। इट हैज अ प्रेशर ऑफ 1 bar, एयर हैज अ प्रेशर मतलब इनलेट का प्रेशर P1, टेम्परेचर दिया है T1 27°C, एयर इज कॉम्प्रेस एडियाबेटिकली विद कॉम्प्रेशन रेशियो, कॉम्प्रेशन रेशियो दिया है RC दिया हुआ है कितना है 7, द हीट इज एडेड एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टिल द टेम्परेचर राइजेस टू 2000 Kelvin, हीट ऐड किया तो हीट ऐड कहाँ पे होता है बिटवीन 2 to 3 राइट, और टेम्परेचर राइजेस टू मीन्स पॉइंट नंबर कौन सा दिया है थर्ड पॉइंट दिया हुआ है 2000 Kelvin, फाइंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वो तो फॉर्मूला है, फिर प्रेशर ऑफ एयर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, एंड ऑफ कंप्रेशन मतलब पॉइंट नंबर टू मीन्स मुझे P2 पूछा हुआ है, एंड हीट एडिशन प्रोसेस, सो प्रेशर एट द हीट एडिशन प्रोसेस एट द एंड ऑफ कंप्रेशन एंड एट द एंड ऑफ हीट एडिशन, तो हीट एडिशन कहाँ पे होता है बिटवीन 2 to 3 मीन्स P3 भी पूछा हुआ है, सो P2 पूछा है P3 पूछा है। नेक्स्ट, मीन इफेक्टिव प्रेशर MEP पूछा हुआ है, अज्यूम CV दिया है, गैमा दिया है, R दिया है, R न्यूटन मीटर बोला है, न्यूटन मीटर होता क्या जूल, जूल पर केजी केल्विन। ओके, सो सारी चीजों को नोट डाउन कर लो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डायग्राम PV, सो प्रेशर 1 bar, T1 दिया था, RC दिया था, T3 दिया था, CV दिया है, गैमा दिया है, R दिया है। अभी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालने के लिए मेरे पास सफिशिएंट डेटा है क्या, RC दिया है क्या, सो RC दिया हुआ है 7, सो पुट किया गैमा का वैल्यू तो 1.4 था, यू विल गेट एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। नेक्स्ट मुझे P2 और P3 निकालना है, सो गाइस यहाँ पे P2 और P3 निकालना है, तो अभी थोड़ा सिक्वेंस वाइज जाते हैं। 1 to 2 क्या है आइसेंट्रोपिक, और मैंने आपको बोला है सिक्वेंस वाइज जाते हैं, जब आपको प्रेशर निकालना है तो आपको क्या यूज करना है PV रेशियो गैमा वाला फॉर्मूला। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है फॉर प्रोसेस 1 to 2 या तो फिर प्रोसेस 3 to 4 कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन के लिए, जब प्रेशर यूज करने की बारी आएगी तो इसको यूज करना है, और जब टेम्परेचर निकालना है तो ऐसे फॉर्मूला को यूज करना है। सो P1V1 रेस्टू गामा इज इक्वल टू P2V2 रेस्टू गामा। सो मैं काम करता हूँ, वो फॉर्मूला को मैंने नोट डाउन कर दिया, क्या मेरे पास P1 है, सो है, गिवन डेटा में दिया हुआ है। V1 V2 क्या होता है, V1/V2 तो कंप्रेशन रेशियो होता है, वो तो 7 है, सो वो भी मुझे पता है, सो यूज करो, P2 को निकालो, P1 मैंने बार में पुट किया, सो P2 मुझे बार में मिला। ओके, नेक्स्ट P3 निकालना है, तो P3 निकालना है तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, P3 कहाँ पे है बिटवीन 2 to 3, और 2 to 3 प्रोसेस क्या है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है वो तो कि निकाल दो, सिर्फ बचे 2 टर्म प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो फॉर्मूला बना दो P3/P2 इज इक्वल टू T3/T2, फॉर्मूला आपको बाहर नहीं करना है बनाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो मुझे P3 निकालना है तो मुझे P2 पता होना चाहिए, है पता है 15.25, T3 पता है क्या, T3 आई थिंक दिया हुआ है T3 2000 करके, जस्ट वेट गिवन डेटा में देखते, यस T3 दिया हुआ है 2000 Kelvin, सो T3 पता है, और T2 पता है क्या मुझे, नहीं T2 तो निकालना मैं भूल गया, सो अगेन T2 निकालने के लिए वही अपना फॉर्मूला T2/T1 V1/V2 ratio gamma -1, सो T1 पता है, RC पता है, गैमा पता है, यू विल गेट T2, सो T2 को यहाँ पे पुट करो, आपको क्या मिलेगा P3, गॉट इट। लास्ट में क्या निकालना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है वर्क डन अपॉन
स्ट्रोक वॉल्यूम, वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम. सो सबसे पहले मुझे वर्क डन को निकालना पड़ेगा. तो अभी वर्क डन को कैसे निकालो, तो वर्क डन कहाँ पे यूज होता है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के फॉर्मूला में यूज होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई. अभी यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी निकालने का तो कोई चांस ही नहीं था, सो उसका कुछ यूज नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअल वर्क डन भी नहीं पता है, तो मैं थर्मल एफिशिएंसी को यूज ही नहीं कर सकता. सो मैंने एफिशिएंसी के फॉर्मूले को यूज किया, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई. सो वर्क डन निकालना है तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी और हीट सप्लाई, एयर स्टैंडर्ड तो हम निकाल चुके हैं, क्यूएस फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ. नॉर्मली हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एमसीपी डेल्टा टी, बट यहाँ पे हीट एडिशन कहाँ पे हो रही है, बिटवीन 2 to 3, और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम एमसीपी डेल्टा टी नहीं बोलेंगे, हम एमसीवी डेल्टा टी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है. सो एमसीवी डेल्टा टी, डेल्टा टी मीन्स यहाँ पे आएगा T3 - T2. सो मास्क मुझे देखो, यहाँ पे मास्क को मैंने 1 लिया, मैंने ऐसे डायरेक्टली उठ के 1 नहीं लिया, तो सबसे मैंने चेक किया यहाँ पे PV = MRT कर सकता हूँ क्या, क्या मुझे P1 दिया हुआ है, 1 बार गिवन है, क्या मुझे वॉल्यूम गिवन है, V1 मुझे पता है क्या, नहीं पता. मुझे कॉम्प्रेशन रेशियो पता है, बट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ V1 नहीं पता है, सो मेरे पास V1 नहीं है. सो PV = T1 मुझे पता है, सो जहाँ वॉल्यूम भी नहीं पता है, मास भी नहीं पता है, तो मैं PV = MRT करके मास फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ. सो मैंने मास को कितना लिया, 1 कंसिडर किया. ओके, CV तो वैल्यू गिवन था, T3 T2 निकाल चुके थे, सो यू विल गेट वर्क डन. नेक्स्ट मुझे क्या है, अभी और क्या लगेगा मुझे यहाँ पे, PM निकालने के लिए VS लगेगा, VS कहाँ से आएगा, V1 - V2, तो मुझे V1 और V2 को निकालना ही पड़ेगा. सो V1 और V2 कहाँ से आएगा, सो उसके लिए काम करते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो यूज करते हैं, RC = V1/V2. सो V2 क्या रहेगा, ओके, सो V2 = V1/RC. तो V1 मुझे निकालना ही पड़ेगा, तो V1 के लिए मैं अब काम करता हूँ, PV = MRT यूज करता हूँ. सो PV = MRT, PV तो दिया है, P1 दिया है, 1 × 10⁵, 1 बार था. वॉल्यूम मुझे निकालना है, मास को मैंने 1 लिया है, 287 टेम्परेचर केल्विन में पुट किया, सो यू विल गेट V1. सो V1 पता है, RC पता है, यू विल गेट V2. सॉली हो गया, क्योंकि V1 पता चल गया, V2 पता चल गया, तो VS पता चल गया, सो WD और VS पता है, तो यू विल गेट मीन इफेक्टिव प्रेशर. रिमेंबर यहाँ पे आपको VS तो मीटर के ऊपर KG है, चल जाएगा. क्या वर्क डन मेरा किलोवाट में है, नहीं, ये तो किलो जूल में है. सो गाइस यहाँ पे किलो जूल है, तो मेरा क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे मिलेगा क्या, आंसर नहीं, मुझे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा. ओके, सो यूनिट का भी ख्याल रखना है कि क्या हो सकता है, क्योंकि जूल को यूज करता हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा, बट अगर किलो जूल को यूज करता तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही मिलेगा. गॉट इट. नेक्स्ट, एन ऑयल इंजन वर्क्स ऑन आइडियल डीजल साइकिल, डीजल साइकिल है, कंप्रेशन रेशियो कितना दिया है, 18:1, मींस आरसी दिया है 18. नेक्स्ट, द कांस्टेंट प्रेशर सीजेस एट 10% ऑफ द स्ट्रोक. देखो कांस्टेंट प्रेशर कितना है, 10% किसका, स्ट्रोक का. सो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, यहाँ पे डीजल साइकिल का डायग्राम ऐसे होगा, 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. तो ये जो उन्होंने बोला है V3 - V2, मतलब ये स्पेस जो है वो 10% है किसके, स्ट्रोक का. तो V3 - V2 इज 10% ऑफ क्या, V1 - V2. ओके, तो स्ट्रोक वॉल्यूम के वो 10% है वो इंडिकेट किया है. नेक्स्ट, इनटेक कंडीशन P1 1 बार और टेम्परेचर 20°C. सो P1 दिया है, T1 दिया है. नेक्स्ट बोला है द इंजन यूजेस 100 m³/h. सो अभी इसको नहीं समझ में आता है कि क्या दिया एग्जैक्टली. तो ये क्या दिया हुआ है, इंजन यूज कर रहा है, मतलब इंजन सक्शन कर रहा है, मीटर क्यूब मतलब क्या होता है, वॉल्यूम पर आर है.
ये वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है बट पर आवर में. इंजन क्या यूज करता है, इंजन कहाँ पे सक्शन करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम में. यहाँ पे आपको वीएस दिया हुआ है 100 बीटा क्यूब पर आर. पर आर को कन्वर्जन करना पड़ेगा सेकेंड्स में, डिवाइड बाय 3600. नेक्स्ट गामा दिया है 1.4. फिर आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर. मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर कहाँ पे होते हैं, मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे है, P2 और P3 तो सेम है, एंड टेम्परेचर T3 निकालने के लिए बोला है. और नेक्स्ट थर्मल एफिशिएंसी बोला है और फिर इंडिकेटेड पावर, पावर भी निकालना है. और याद रखना पावर क्या होता है, QS माइनस Q रिजेक्टेड. आपको ये यूज करके निकालना है. गिवन डेटा मैंने लिख दिया, तो सबसे पहले मुझे अभी देखते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ. गाइस देखो प्रेशर निकालना है P2, यहाँ पे मुझे P2 निकालना है. तो सबसे पहले मुझे कुछ चीजें आपको फाइंड आउट करके देनी पड़ेगी. ओके क्या क्या दिया है, आरसी दिया है 18:1, V3 माइनस V2, P1 दिया है, T1 दिया है, स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 100 मीटर के ऊपर था उसको मैंने सॉल्व करके लिया 3600 से. आई विल गेट V.S इज नथिंग बट V1 माइनस V2 0.0277 बीटा क्यूब पर सेकेंड. नेक्स्ट अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ना मुझे आगे जाके PV रेश्यो गामा करना है. मुझे वहां पे P1 लगेगा, V1 लगेगा, P2 लगेगा, V2 लगेगा. मुझे इन दोनों को अलग अलग डिफाइंड वैल्यूज मुझे चाहिए. मैं काम करता हूँ कॉम्प्रेशन रेशियो को यूज करता हूँ. कॉम्प्रेशन रेशियो क्या है, 18. V1 बाई V2 इज इक्वल टू 18. V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 18 टाइम्स ऑफ V2. ये जो रिलेशन है मैं यहाँ पे ऊपर यूज करता हूँ. अगर मैं ऊपर यूज करता तो मुझे मिलेगा 18 V2 माइनस V2 0.0277. V2 को कॉमन निकालता तो मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू पता चलेगा. फिर अभी इस V2 को मैं कॉम्प्रेशन रेशियो में पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा V1 का वैल्यू. अभी मेरे पास V1 भी है, V2 भी है. ओके और उन्होंने एक एडिशनल डेटा दिया था, V3 माइनस V2 इज अ 10% ऑफ V1 माइनस V2. V1 भी पता है, V2 भी पता है, यहाँ पे V2 भी पता है, आपको क्या मिलेगा, V3 भी पता चलेगा. सारे वैल्यूज हमें पता चल गए, V1, V2, V3. नेक्स्ट अब एक काम करते हैं, P2 निकालना है. और P2 और P3 तो क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि वो यहाँ पे हीट एडिशन कहाँ पे होते हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होते हैं. एनी हाउ अगर मुझे P2 पता चल गया तो मुझे P3 भी पता चलेगा क्योंकि प्रेशर तो क्या है, कांस्टेंट है. ओके सबसे पहले एक काम करता हूँ, P2 को निकालता हूँ. मैंने रिलेशन यूज किया 1:2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, P1V1 रेश्यो गामा इज इक्वल टू P2V2 रेश्यो गामा. P1V2 तो आपको पता है कंप्रेशन रेशियो होता है, प्रेशर आपको पता है. यू विल गेट P2. P2 जैसे ही मिल गया तो आपको P3 भी मिल जाएगा. अगर P1 बार में पुट किया तो यहाँ पे आंसर भी बार में आएगा, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट किया तो आपका आंसर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा. नेक्स्ट उन्होंने पूछा था एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो ये तो डीजल साइकिल है, तो डीजल साइकिल का मैंने फॉर्मूला लिख दिया 1 - 1/r - γ, ρ - -1/ρ - 1. आर तो पता है, कंप्रेशन रेशियो तो मुझे पता है, क्या मुझे रो पता है, कट ऑफ रेशियो नहीं पता है. तो कट ऑफ रेशियो होता क्या, हमने यहाँ पे देखा था कट ऑफ रेशियो का फॉर्मूला. ओके V3/V2 मीन्स वॉल्यूम आफ्टर कम्बशन टू दी वॉल्यूम बिफोर कम्बशन. V3/V2 मैंने लिख दिया. और हमने अभी अभी जस्ट ऊपर V1 भी फाइंड आउट किया था, V2 भी फाइंड आउट किया था, V3 भी फाइंड आउट किया था. हमें पास वैल्यूज था. यू विल गेट रो. गामा पता है, रो पता है, यहाँ पे पुट कर दो, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालो. ओके नेक्स्ट आपको निकालना है IP और थर्मल एफिशिएंसी. थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन हीट सप्लाई. और पावर कहाँ से मिलेगा, तो डिफरेंस होता है QS माइनस QR, हीट सप्लाई QR. और IP भी निकालने के लिए बोला है. IP क्या है, वही QS माइनस QR, पावर, इंडिकेटेड पावर बोलते हैं. आपको ये दोनों फाइंड आउट करने तो आपको क्या पता होना चाहिए, QS पता होना चाहिए और Q रिजेक्टेड पता होना चाहिए. QS कहाँ से आएगा, तो MCP delta T. हीट सप्लाई कहाँ पे, यहाँ पे होता है डीजल साइकिल में कॉन्स्टेंट प्रेशर पे. मैंने यहाँ पे CP यूज किया,
MCP डेल्टा टी, T3 माइनस T2। सो हर बार आपको वो PV डायग्राम को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हीट रिजेक्शन कहाँ पे होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। सो मैंने यहाँ पे MCP नहीं किया, यहाँ पे MCV किया, कांस्टेंट वॉल्यूम, T4 माइनस T1। बट मुझे यहाँ पे M पता है क्या, दिया है क्या, वो चेक करना पड़ेगा, या तो फिर फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, वो मुझे चेक करना है। CPCV तो दिया होगा उन्होंने, और T1, T2, T3, T4। सबसे पहले मुझे सारे टेम्परेचर्स फाइंड आउट करना है। सो मैंने काम वही काम किया, सारे टेम्परेचर्स फाइंड आउट करता हूँ मैं। सो बिटवीन प्रोसेस 1 to 2 क्या था? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। सो T2 बाई T1, V1 बाई V2, रेशियो गामा माइनस 1। सो V1 V2 पता है, कंप्रेशन रेशियो है, T1 पता है, सो यू विल गेट T2। नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3 क्या था? वही हॉरिजॉन्टल लाइन, कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन था। अभी प्रेशर कांस्टेंट है तो बचे दो टर्म, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो T3 बाई T2, V3 बाई V2। सो मुझे T3 निकालना है, T2 यहाँ से पता चल चुका है, V3 और V2 तो मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो मेरे पास T3 भी है। नेक्स्ट प्रोसेस 3 to 4 क्या था? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। अगेन T3 को यूज करके मुझे T4 निकालना है। सो T4 बाई T3, V3 बाई V4, रेशियो गामा माइनस 1। सो यहाँ पे V4 इज V1 क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि डायग्राम में चेक करो, V1 और V4 क्या है? सेम है। सो आपको नहीं तो ढूंढते बैठेगे हो कि V4 निकाला ही नहीं हमने। ओके, सो यू विल गेट T4। अभी मुझे MCP डेल्टा टी है, तो फिर MCP डेल्टा टी करने के लिए मास फ्लो रेट चाहिए, तो मैं चेक करता हूँ PV इज इक्वल टू MRT। तो मुझे प्रेशर तो दिया था, V1 में फाइंड आउट कर चुका था, R मुझे पता है, T1 मुझे पता है, सो मुझे M डॉट मिलेगा। अदरवाइज बच्चे करते हैं डायरेक्टली 1 लेते हैं, तो आंसर गलत है। सो जहाँ पे 10 मिलने चाहिए वहाँ पे 6 मिलेगा, 5 मिलेगा। सो जब कभी भी मास फ्लो रेट एज्यूम करना है तो एक बार चेक कर लो PV इज इक्वल टू MRT करके। नेक्स्ट CPCV यूज़ किया, यहाँ पे MCP डेल्टा टी, यहाँ पे MCV डेल्टा टी करके टेम्परेचर पता है, सारे वैल्यूज पुट कर दो, फिर आपको क्या मिलेगा? QS मिलेगा, QR मिलेगा। फिर थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन क्या था? QS माइनस QR अपॉन QS, तो सारी वैल्यू पता है, सो यू विल गेट थर्मल एफिशिएंसी। सेम IPB क्या था? QS माइनस QR था, सो यू विल गेट किलोवाट। ओके, सो यहाँ पे काफी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल जो होते हैं वो लेंदी होते हैं। ओके, एक लास्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं 12, इसको मैं मास्टर न्यूमेरिकल बोलता हूँ, क्योंकि एक बार किसी ने ये सॉल्व कर दिया ना तो वो ऑटो का भी सॉल्व कर पाएगा, डीजल का भी सॉल्व कर पाएगा। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एन इंजिन वर्किंग ऑन 12 साइकिल यूजेस कंप्रेशन रेशियो, मीन्स RC दिया है 14। द इंटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर, सो P1 एंड T1 गिवन है, 1 बार एंड 330 केल्विन। द एक्सप्लोजन रेशियो इज 1.4, एक्सप्लोजन रेशियो क्या था? अल्फा था, सो वो भी दिया है। द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। समझ के लो, हीट जहाँ पे सप्लाई हो रहा है कहाँ पे? एट ड्यूरिंग अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो क्या है? डबल है। किसका? दैट ऑफ द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, सो यहाँ पे देखते डायग्राम में 12 साइकिल कुछ ऐसी होती है, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 4 to 5 एक्सपांशन, एंड 5 to 1 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? 3 to 4 कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो हीट ऐड हो रहा है वो किसका डबल है? तो इस हीट का डबल है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। सो लव्स को समझो तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। सो यहाँ पे जो हीट ऐड हो रही है वो किसकी डबल है? यहाँ की हीट की डबल है, ये वहां पे बोला हुआ है। डिटरमाइन पर केजी ऑफ एयर, पर केजी बोले मीन्स आपको मास कितना लेना है, 1 kg। परसेंटेज ऑफ कट ऑफ रेशियो निकालना है, कट ऑफ रेशियो परसेंटेज का बताता हूँ मैं। फिर प्रेशर निकालना है, टेम्परेचर निकालना है एट सेलियंट पॉइंट्स, मतलब सारे P1, T1, T3 सब कुछ निकालना है, सारे प्रेशर निकालना है, सारे टेम्परेचर निकालना है। फिर आपको बोला है हीट सप्लाइड, फिर हीट रिजेक्टेड, फिर वर्क डन, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल ये है, ये जाएगा ऑलमोस्ट 12 के आसपास। CP दिया है, CV दिया है, गामा दिया हुआ है।
सो ड्वेल साइकिल, सो सारा डेटा मैंने लिख दिया, आरसी लिख दिया, पी वन लिख दिया, टी वन लिख दिया, एक्सप्लोजन रेशियो. एक्सप्लोजन रेशियो क्या होता है, हमने बोला था प्रेशर आफ्टर कंबशन, प्रेशर बिफोर कंबशन. सो प्रेशर आफ्टर कंबशन 4 था, बिफोर कंबशन 3 था. ओके सो सॉरी, प्रेशर पी फोर पी थ्री तो सेम है, आफ्टर कंबशन पी थ्री, बिफोर कंबशन पी टू, पी थ्री बाय पी टू 1.4. फिर ये दिया था, फिर सीपीसीवी दिया था, गामा दिया था, परसेंटेज ऑफ कट ऑफ निकालना है. कट ऑफ सब फ्यूल सप्लाई कहाँ पे होगा वो देखना है, बी फोर बाय वी थ्री. देखो बी टू और वी थ्री तो सेम रह गया क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है. सो कट ऑफ कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन 4 to 3. सो बी फोर माइनस वी थ्री और परसेंटेज निकालना है. तो टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम. सो वी वन माइनस वी टू और परसेंटेज है इसलिए इंटू 100. फिर ऑल सेलेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्यू एस क्यू आर वर्क डन और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे गाइज आपको सब कुछ सीक्वेंस वाइज जाना पड़ेगा. प्रोसेस 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. सो पी वन वी वन रेस्टो गामा, पी टू वी टू रेस्टो गामा. सो पी वन और कंप्रेशन रेशियो को यूज करके पी टू निकालो. नेक्स्ट टेम्परेचर भी बोला है, सो टी टू बाय टी वन वी वन बाय वी टू रेस्टो गामा माइनस वन, टी टू निकालो. नेक्स्ट 2 to 3 क्या था, स्ट्रेट लाइन था वर्टिकल. सो वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था तो बचे दो ही टर्म, प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो पी टू बाय पी थ्री तो टी टू बाय टी थ्री. अगर कोई बच्चा पी थ्री बाय पी टू करता है तो टी थ्री बाय टी टू करना है, सिर्फ सामने आनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बट अभी ढूंढते बैठे गए कि पी टू पी थ्री दिया नहीं है. अरे भाई दिया है, अल्फा के फॉर्म में. एक्सप्लोजन रेशो 1.4 था, ओके वो दिया था. टी टू निकाल चुके हो तो यू विल गेट टी थ्री. गॉट इट? अगर आपको यहाँ का, अगर एक्सप्लोजन रेशियो की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पी टू भी पता है, मुझे अल्फा भी पता है, सो आपको पी थ्री भी मिल सकता है. ओके सो सारा डेटा आपके पास होगा ही, थोड़ा सा केयरफुली आपको देखना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट प्रोसेस था 3 to 4, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो बचा क्या, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. सो वी थ्री बाई वी फोर, टी थ्री बाई टी फोर. सो मुझे टी फोर फाइंड आउट करना है. टी थ्री पता है क्या, हाँ मुझे पता है, यहाँ पे मिला था. वी थ्री वी फोर, सो मुझे वी थ्री और वी फोर, वी फोर तो क्या होता है, वी वन ही होगा. देखो एक मिनट, सॉरी क्या था निकालना, वी टू और वी थ्री. ओके सॉरी, वी थ्री बाय वी फोर, वी थ्री बाय वी फोर निकालना है. देखो वी थ्री तो आपको मिल जाएगा V2 से. सो सबसे पहले मुझे V2 को निकालना पड़ेगा. ओके सो जो V2 होगा वही V3 होगा, और V4 को भी निकालना है तो वो देखते कैसे. तो यहाँ पे उन्होंने यूज किया PV is equal to MRT. प्रेशर मुझे पता था, वॉल्यूम V1 निकालना था. ओके फिर मास उन्होंने 1 लिया, R 287 लिया, टेम्परेचर गिवन था. सो उन्होंने V1 यूज किया. सो जो वी वन, ओके जो वी वन मुझे मिल गया. मैं फिर कॉम्प्रेशन रेशियो में उसको पुट करता हूँ. आर सी तो मुझे पता है 14 था, वी वन मुझे पता है तो मुझे क्या मिलेगा, वी टू मिलेगा. ओके गाइज यहाँ पे मैंने मीटर के ऊपर के जी लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने मास 1 kg लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे मीटर के ऊपर के जी, यहाँ पे मीटर क्यूब के जी किया है. जैसे मुझे वी टू मिला, वी टू वी थ्री तो क्या है, सेम है. ओके बट क्या मुझे अभी भी V4 पता है, नहीं पता है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डेटा जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया था वो क्या था, Q3 to 4, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट, ये क्या डबल है यहाँ का कांस्टेंट प्रेशर का. सो अभी मैं उसको यूज करता हूँ, देखते कुछ तो मिलेगा. 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर था तो MCP T4 माइनस T3 किया, और 2 to 3 क्या था, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम था, इसलिए 2 into MCV T3 माइनस T2. मास मास कैंसिल हो गए, CV पता है, यहाँ पे CV पता है, T4 फाइंड आउट करना है, T3 हम फाइंड आउट कर चुके थे, T3 पता था, T2 पता था, यू विल गेट T4. और जैसे ही आपको T4 पता चलेगा ये ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो. सो V3 पता है, V4 पता है, T4 पता है, तो यू विल गेट T3 फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके फाइन, सॉरी T3 फाइंड आउट कर चुके थे, V4 निकाला था यहाँ से. फिर अभी देखते हैं
थ्री टू फोर हो गया, अभी फोर टू फाइव क्या था, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन था, तो पी वी रेस्टो गामा करना है, पी फोर वी फोर रेस्टो गामा, पी फाइव वी फाइव रेस्टो गामा। सो पी फोर तो हम निकाल चुके हो गए, पी फोर ऊपर देखते हैं, ओके निकाल चुके थे यहाँ पे देखो 56.32 हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। सो पी फोर पता है, वी फोर वी फाइव, वी फोर भी जस्ट निकाला था, वी फाइव नथिंग बट क्या रहेगा, वी वन, ओके। और वी वन कहाँ से मिलेगा, कॉम्प्रेशन रेशियो को यूज करके, आर सी इंटू वी टू, सो वो तो मिल जाएगा। सो यू विल गेट फाइनली पी फाइव। फिर टेम्परेचर निकालना है, तो वही अपना रिलेशन टी फोर बाई टी फाइव, या तो फिर टी फाइव बाई टी फोर, वी फाइव डिवाइड बाई वी फोर रेशियो गामा माइनस वन। सो बार 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 आपको वही फॉर्मूलाज यूज करना है और टी फाइव निकाला। फिर अभी उन्होंने पूछा था, देखो सारे प्रेशर सारे टेम्परेचर फाइंड आउट हो गए, फिर आपको निकालना था क्यू एस और क्यू आर। यहाँ पे दो हीट सप्लाई होते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे। सो एम सी वी डेल्टा टी, एम सी पी डेल्टा टी। सो डायग्राम को देखो, क्या मैक्सिमम रहेगा क्या मिनिमम रहेगा। सो वो डिसाइड करके वहाँ पे सारे वैल्यूज पुटअप करो, फिर क्यू एस मिलेगा। हीट रिजेक्शन तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है, सो एम सी वी डेल्टा टी, सो आपको क्यू एस मिलेगा, क्यू आर मिलेगा। सो फाइनली वर्क डन पूछा था, तो वर्क डन क्या होता है, पावर क्या होता है, क्यू एस माइनस क्यू आर, वो फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ कट ऑफ पूछा था, सो वी फोर माइनस वी थ्री अपॉन वी वन माइनस वी टू। कट ऑफ कहाँ पे होता है, बिटवीन थ्री टू फोर, जहाँ पे फ्यूल सप्लाई होता है, डिवाइड बाई स्ट्रोक वॉल्यूम, वी वन माइनस वी टू। सारे वॉल्यूम्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सो आपको कट ऑफ रेशियो मिलेगा इन टू हंड्रेड के, इसलिए परसेंटेज के फॉर्म में। नेक्स्ट है एयर स्टैंडर्ड एफिशियंसी। एयर स्टैंडर्ड एफिशियंसी का फॉर्मूला, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्वेल के लिए, अगर वो बाहर नहीं होता है, आपने देखा होगा ड्वेल का फॉर्मूला काफी बड़ा लेंदी था वो, ओके। अगर ये बाहर नहीं होता है तो बेटर है अपना घर का फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ये भी चल जाएगा, क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो क्यू एस क्यू आर आप फाइंड आउट कर चुके थे, सो वो फॉर्मूला यूज किया, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाला। सो गाइज ये जो फॉर्मूलाज है वो आखिर तक यूज हो गए, सो इसके लिए ये एक बार ये लिख के प्रैक्टिस करो, एक बार ट्राई करो। सबसे पहले स्टेप वाइज ही जाओ, फॉर्मूलाज खुद बनाना सीखो, तो ये चैप्टर काफी इंजॉय करोगे। अगर ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया ना, आगे के न्यूमेरिकल्स आपके लिए चिंदी है, ओके। सो गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तीनों न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, चाहे तो एक ऑटो का करो, एक डीजल का करो और एक ड्वेल का पक्का करो। अगर ड्वेल का आप सक्सेसफुली कर पाते हो ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल्स को आप टैकल कर सकते हो, ओके। सो गाइज वी विल स्टॉप हियर, इफ यू एनी डाउट्स काइंडली फॉरवर्ड, काइंडली टेक अ स्नैप, काइंडली टेक अ पिक एंड व्हाट्सएप मी दैट, ओके। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, आई होप मैं ट्राई करता हूँ मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई देने का, पर पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वीडियोस बनाने के सेशन में मिस हो जाता है। सो जब भी मैं टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई पक्का करूँगा, ओके। सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।